नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8565309906089753845 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो 2024 का मार्च मंथ में शेड्यूल्ड है उसके लिए हम पेड क्विज को देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको एग्जामिनेशन में सीधे या फिर इंडायरेक्टली रूप से भी देखने को मिलेंगे। और अभी लास्ट में आप चाहें तो हमारे पेड ग्रुप्स में भी जुड़ सकते हैं, सिर्फ टेस्ट सीरीज में भी जुड़ सकते हैं और पेड क्विज में भी, ठीक है। इसकी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उस पर मिल जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। पूछा गया कौन सा अम्ल ग्रामीण भारत में सांपों के संक्रमण को रोकने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन बी को चुनेंगे, कार्बोलिक एसिड, है ना। ये बेसिकली जो है इसको फिनॉल भी कहा जाता है, ठीक। एक वाइट कलर का क्रिस्टलाइन कह लीजिए सॉलिड होता है, तो गांव वाँव में खास करके उस एरिया में स्नेक रिपेलेंट के तरीके इसको यूज़ किया जाता है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मुंतखब उत तवारीख, ये पुस्तक का नाम है, भारत में इस्लामी शासन का इतिहास जो बताती है, किसके द्वारा लिखी गई थी। अभी हाल ही में रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे कि हाल ही में जो है आरओ का एग्जामिनेशन हुआ है यूपीपीएससी का, इसका पेपर आप लोग जरूर देखिएगा। कई तरीके के नए क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं और पैटर्न यही या इससे ज़्यादा ही रहेगा प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में हमारे, तो इसलिए इस पेपर को देखना ज़रूरी है और संबंधित जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कम से कम आप लोग रिवाइज़ करिएगा, है ना, कई सारी चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। तो उसी क्रम में मेडिवल टाइम पीरियड की ये बुक है और इसके राइटर थे अब्दुल कादिर बदायूनी, है ना। इस तरह के बुक से भी कई सारे क्वेश्चंस बने हैं, शासकों की क्रोनोलॉजी पूछी गई है, इवन कि अभी करंट अफेयर्स में कई सारे लोगों की जो 2023 में मृत्यु हुई उसकी क्रोनोलॉजी पूछ ली गई है। तो आप लोग खुद यहाँ पे देखिए ना कि किस लेवल पे चीज़ें चल रही हैं, इसलिए बहुत डीप में स्टडी करना या फिर आँख और कान जो है उसको खोल करके पढ़ना ज़रूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल प्याज काटते समय आंखों में पानी आने का कारण बनता है। प्याज आपने काटी होगी तो रोने जैसी स्थिति बन जाती है, तो सल्फेनिक एसिड या फिर कहीं पे भी सल्फ्यूरिक एसिड भी मिल जाता है कई बार ऑप्शंस में, तो अगर सिर्फ वो दिखे तो कंफ्यूज मत होइएगा, उसको भी चुन सकते हैं, लेकिन शुद्ध रूप यही है ऑप्शन सी। ऐरावतेश्वर मंदिर किस राजवंश के शासनकाल में बनाया गया, तो ये टेम्पल है तमिलनाडु के तंजावुर में, ठीक है, और द्रविड़ियन आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है और चोल शासकों के द्वारा बनवाया गया था, ये राजराज चोल सेकंड जो थे, ठीक। हाल ही में किस देश की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी इसने 29वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड जीता है। आप जानते हैं ये रीजन रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी फेमस है, तो फिलहाल ये अवार्ड के बारे में हमें देखना है। तो फिल्म जो है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ये संबंधित है इसराइल से, ठीक, इसको दिया गया ये अवार्ड। एक कैलेंडर वर्ष में यानी कि एक ईयर कह सकते हैं आप, ठीक है, लगभग 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन अभी हाल ही में कौन बनी है, तो दिसंबर में ये माइलस्टोन अचीव किया है इसने इंडिगो ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे कि एक वर्ष में लगभग 100 मिलियन यात्रियों को ट्रैवल करवाया है इन्होंने अपने एयरक्राफ्ट से। किस प्लेटफॉर्म ने हाल ही में मैप्स के लिए भारत के पहले AI पावर्ड एक्सपीरियंस की घोषणा की है, तो इस न्यूज़ को थोड़ा कवर करिएगा, ये अनाउंसमेंट गूगल ने किया था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, तो दिसंबर में ये कंक्लूड हुआ है दिल्ली में और टॉप पे था हरियाणा। किस राज्य के शेख हसन खान ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई अभी हाल ही में की है, तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि माउंट विंसन कहाँ पे है, ठीक है, तो इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है आपसे, ठीक, तो हमें ये ध्यान रखना है अंटार्कटिका, और ये पर्सन जो है संबंधित है भारत से, लगभग एक 36 वर्षीय हैं, केरला से संबंधित हैं, तो उनका नाम ध्यान रखना है। जल्द ही किस राज्य में भारत की पहली जायरोकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी, तो रिसेंटली उत्तराखंड ने अनाउंस किया है कि एक एयर टूरिज्म जो है स्टेट में इसको बढ़ावा देने के लिए, है ना, फर्स्ट एवर हिमालयन एयर सफारी
इसको कंक्लूड करने के लिए एक हेलीकॉप्टर जैसा हमारा एक कह लीजिए एयरक्राफ्ट जिसको जायरोकॉप्टर कहा जाएगा, इसको स्टार्ट किया जाना है। ठीक, तो उत्तराखंड स्टेट ऑप्शन फर्स्ट। हाल ही में किस खिलाड़ी ने पहली बार सीनियर राष्ट्रीय 15 रेड स्नूकर खिताब जीता है? तो नेशनल बिलियार्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप के अंतर्गत ये टाइटल जीता है इन्होंने, सौरव कोठारी नाम है इनका। नाम ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में वाराणसी के उमरहा में बने स्वरवेद मंदिर, सॉरी महामंदिर है ना, ये नाम इसको दिया गया है, इसका उद्घाटन किसने किया? ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था इसको। लोकेशन ध्यान रखना ये है ना, पूछ सकते हैं इसे, जैसे अभी हाल ही में पूछा गया था ना कि आरओ में कि वाराणसी को किस ऑर्गेनाइजेशन ने कल्चरल कैपिटल के रूप में नॉमिनेट किया है ना, तो SCU ने किया था। एक समूह है पीटा है ना, वो जो ये हमारे एनिमल वगैरह हैं इस पर जो क्रुएल्टी वगैरह होती है इन सबको बचाने और उनके कंजर्वेशन प्रोटेक्शन के लिए काम करता है मुख्यतः, तो इनके द्वारा वर्ष 2023 के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन सेलिब्रिटी है ना, इसके रूप में किसको सम्मानित किया गया? तो ये हैं जैकी श्रॉफ। हाल ही में फतह अल सीसी ये व्यक्ति का नाम है किस देश के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये जो है इंडिया के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के चीफ गेस्ट भी रहे थे लास्ट ईयर है ना, जैसे अभी मेलबर्न मैक्रो थे है ना, तो ये हैं वहाँ के आपके जो है इजिप्ट। ठीक, 15 दिसंबर 2023 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB इन्होंने दिल्ली मेरठ जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम डेवलप किया जा रहा है जिसपे एक सेक्शन इनॉग्रेट हो भी चुका है, नमो भारत के नाम से ट्रेन उसमें जो चलती है। ठीक, तो इसी कॉरिडोर में जो है फर्दर डेवलपमेंट्स के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो वो अमाउंट बताना है। ध्यान रखना है इसमें ये भारत सरकार के बीच हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट एंड ADB। ठीक, और अमाउंट है अराउंड $250 मिलियन। किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये बांग्लादेश ने। आप ये बताइए कि किस खेल का एशिया कप है, कमेंट करके बताएंगे। एक IT कंपनी है एक्सेंचर है ना, एक्सेंचर या एक्सेंचर प्रोनाउंस करते हैं इसे, तो इन्होंने हाल ही में एक कह लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है ना एक जनरेटिव AI स्टूडियो करके ओपन किया है। ठीक, तो ये चर्चा में रहा था इस वजह से, तो इसका ये बताना है किस शहर में इनॉग्रेट किया गया, तो कर्नाटक में हुआ, बेंगलुरु में। डेवलपमेंट करने वाली कंपनी का नाम भी यहाँ पे ध्यान रखना है, एक्सेंचर। दिसंबर 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान का शुभारंभ किया है? तो पोलर एक्सपेडिशन मिशन इंडिया की तरफ से ये इनॉग्रेट किया है किरेन रिजिजू ने, थोड़ा इसके बारे में पढ़िएगा हो सके तो। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया है? ठीक है, कैमलिड्स जो है ये जो कैमल ग्रुप के हमारे एनिमल्स हैं है ना, उनके लिए रेफर किया जाता है, तो ये 2024 को ही है ना डिक्लेयर किया गया, ध्यान रखिएगा ये पूछा जा सकता है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार मिलता है, तो 2023 में ये किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये अनाउंस हुआ था, इसमें हिंदी के लेखक हैं संजीव, इनकी पुस्तक है नॉवेल है मतलब मुझे पहचानो। ठीक, इसके लिए दिया जा रहा है। हाँ, यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो हरियाणा कुरुक्षेत्र में। हाल ही में किस कंपनी को प्रतिष्ठित फिक्की जल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है NTPC कांति को, ये कहाँ लोकेटेड है? बिहार में है ना, मुजफ्फरपुर में। ठीक, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। किस राज्य की पुलिस व्हाट्सएप पर अपना चैनल लॉन्च करने वाली देश की पहली पुलिस बनी है? तो हाल ही में ये मतलब स्टेप लिया है देश में, ऐसा पहला किसी पुलिस फोर्स ने करने वाला जो बनी है उत्तर प्रदेश की पुलिस है ना, UP पुलिस का चैनल व्हाट्सएप पे, जहाँ पे कुछ जरूरी सुविधाओं या सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं आप। हाल ही में हॉकी फेडरेशन जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इन्होंने किस भारतीय खिलाड़ी को 2023 के बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की? तो बेस्ट हॉकी प्लेयर के रूप में ये अनाउंस किया गया है हार्दिक सिंह इनको।
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस शहर में प्रदेश के पहले एडवांस्ड पेडियाट्रिक सेंटर स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो PGI जो है ना, लखनऊ, यहाँ पे इसको सेटअप किया जाएगा, अनाउंस किया गया है, ऑप्शन सी। 20 दिसंबर 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय भू विज्ञान आंकड़ा संग्रह पोर्टल लॉन्च किया है? तो प्रहलाद जोशी, ऑप्शन फर्स्ट है ना। थोड़ा इस पोर्टल पे एक बार विजिट करके चाहे तो देख लेंगे, तो ये आपको याद रहेगा। फिर चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, इन दोनों को वर्ष 2013 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं, अब यहाँ पे ये बताना है। तो फेमस ये बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, आप जानते ही होंगे। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था आरोग्य एग्जामिनेशन में, 4 प्लेयर्स के नाम थे और वो किस खेल से संबंधित हैं या किस में मेडल उन्होंने जीते हैं, उसको मैच करना था। तो इस वजह से खिलाड़ी को करंट में भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्या अवार्ड मिल रहा है वो तो ज़रूरी है, तो अपने आप में ये अवार्ड ज़रूरी है, ठीक है। और किस खेल से वो संबंधित है वो भी ध्यान होना चाहिए आपको। हाल ही में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा, इनके बारे में क्वेश्चन है, इन्होंने किस शहर में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया है? तो बुद्धिस्ट संघ से संबंधित ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था बोधगया में, ठीक। हाल ही में किस भारतीय संस्था को हुसाविक संग्रहालय के द्वारा प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखना है, लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार जो हमारी ये चंद्रयान 3 वगैरह का जो इवेंट हुआ, तो मून से संबंधित जो हमारे इवेंट्स हैं उसको एक कह लीजिए आगे बढ़ाने के लिए इसरो को दिया गया है, ये है ना। और इसको ये देखना है यहाँ पे हुसाविक म्यूजियम जो है इसके द्वारा दिया गया है। आप जरा हमें ये बताएंगे कहाँ पे लोकेटेड है ये, ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं। हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसको सम्मानित किया गया? तो भारत के तरफ से पूनम क्षेत्रपाल सिंह, इन्हें यह दिया गया है, ऑप्शन फर्स्ट। निमोनिया से निपटने के लिए किस राज्य की जो सरकार है उनके द्वारा सांस अभियान 2023-24 शुरू किया गया है, ठीक। तो निमोनिया आप जानते हैं एक हमारी पल्मोनरी टाइप की डिजीज है, तो इसके इराडिकेशन के लिए इसको स्टार्ट किया गया है मणिपुर में, ठीक है। और सांस का फुल फॉर्म है एक, है ना, जो है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया, ठीक है, ऐसे कुछ शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है। भारत के GDP में कृषि का योगदान वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने प्रतिशत रहा? तो हाल ही में जो कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इनके आंकड़ों के अनुसार लगभग ये जो है 15% के आसपास इस फाइनेंशियल ईयर में रहा है। हाँ, यहाँ देखें लिखा भी है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 7480 मेगावाट से बढ़ा करके 22480 मेगावाट, ठीक है, तो लगभग 3 गुना करने का लक्ष्य है ये 2030-31। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, सर्विस कंडीशंस कुछ होती हैं जो उस पोस्ट पे इलेक्टेड होने के लिए आपको फुलफिल करनी होती हैं, तो उसे संसद का सदस्य होना चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत है। क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि वो व्यक्ति ऐसी क्वालिफिकेशन होल्ड करता हो जो किसी व्यक्ति के राज्यसभा यानी कि जो संसद का हमारा अपर चैम्बर है उसके मेंबर बनने के लिए उसके पास हो, ठीक, तो ये वाला गलत हो गया। सेकेंड है, एकल हस्तांतरण, ये जो मत प्रणाली होती है ना, ये क्लोज्ड बैलेट में, तो इसके माध्यम से चुनाव होता है इनका, आप जानते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है ना, और वह लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करता हो, ठीक, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे ना हो कोई, और 35 साल की जो एक एज वाली कंडीशन होती है वो होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, तो ये सारी कंडीशन होती है उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए, तो सिर्फ बी और सी। संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य का जो ये शब्द है ना, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे आप कई जगह पे पढ़ते हैं ना कि स्टेट जो है ये कर सकती है, स्टेट वो कर सकती है ना, तो ये स्टेट शब्द क्या क्या समाहित करता है अपने आप में? तो काफ़ी एक व्यापक टर्म है, यूनियन गवर्नमेंट है ना, और जो उसका लेजिस्लेचर है, ठीक कह सकते हैं,
फिर स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे ऐसे ही, फिर लोकल अथॉरिटीज़ हो गई, म्यूनसिपालिटी, पंचायत, ये सभी और कुछ अन्य अदर अथॉरिटीज़ भी इसके स्टेट के टर्म के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन में जो चीज़ें लिखी हैं है ना, ये सारे ही स्टेट वर्ड में समाहित होते हैं, तो ए बी और सी। थोड़ा आर्टिकल 12 को एक बार पढ़ लीजिएगा फंडामेंटल राइट्स में जो ये दिया हुआ है। भारतीय दर्शन के कितने संप्रदाय हैं जो षड दर्शन कहलाते हैं? ठीक है, तो 6 जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट्स हिंदू फिलॉसफी के, कौन कौन से हैं? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ठीक, इसमें देखें कौन सी एक ठंडी जलधारा है, वॉ मोशन करंट और कोल्ड, ये पढ़ के जाइएगा एक बार, खास करके मैप पे देखिए कौन सी कहाँ से निकलती है। तो इसमें जो है हम्बोल्ट ऑप्शन फर्स्ट। भारत सरकार के द्वारा नियुक्त की गई राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष कौन थे? तो इंडिपेंडेंस के बाद है ना, एक उस समय की नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए, मीजर करने के लिए कमेटी ये बनी, इसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। ऋग्वेद के अष्टम मंडल से संबंधित ऋषि इसमें से कौन कौन से हैं? तो ओल्डेस्ट वेद हमारा ऋग्वेद है, और ये सब फैक्ट्स इस तरह के पूछ लेते हैं कभी कई बार, तो इससे संबंधित है कड़व और अंगिरस ऑप्शन फर्स्ट। संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? ब्रिटिश काल में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुई 1937 में, और किस प्रावधान के तहत? 35 वाला जो एक्ट आया था। ठीक, आगे चल करके यही कन्वर्ट हो जाता है हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में। ठीक, गलत विकल्प का चुनना है इसमें से, नेशनल पार्क लिखे हुए हैं तो दाची गांव जो है ना ये हिमाचल में नहीं है, J&K में है। किस राज्य ने सर्वप्रथम अंत्योदय योजना प्रारंभ की थी? तो फ्री फूड ग्रेन्स जो है ना BPL फैमिलीज को देने के उद्देश्य से ये योजना अंत्योदय स्टार्ट की गई थी सबसे पहले इसमें राजस्थान में। ठीक है, अराउंड 2000। नेक्स्ट है कैंडला, SI यूनिट होता है किसकी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता की। जस्ता एवं सीसा के लिए प्रसिद्ध ब्रोकन हिल कहां पर स्थित है? तो ये जो है इसमें साउथ वेल्स का एरिया है, न्यू साउथ वेल्स का, ऑस्ट्रेलिया में। ब्राजील मेनली किस चीज के लिए फेमस है? तो कॉफी प्रोडक्शन एज वेल एज सुगर प्रोडक्शन है ना, तो लेकिन कॉफी अगर दिया है ऑप्शन में तो कॉफी को ही चुनेंगे सबसे पहले। तालिकोटा का युद्ध 1565, तो इस टाइम जो है विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो ये है सदाशिव राय। अच्छा, इसमें पार्टीज कौन थी जरा बताएंगे? पहले ये मैंने बताया हुआ कई बार कौन किसके मध्य युद्ध हुआ। अंतिम प्रश्न देख रहे हैं, हुकर एवं थॉमसन ने वर्ष 1867 के आसपास भारत को कितने वनस्पति क्षेत्रों में वर्गीकृत किया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।